चलने के लिए थोड़ी चीजें लेके आई हूँ, थोड़े मटर लेके आई हूँ, दोनों छीलेंगे क्योंकि ये मटर बहुत अच्छे से छीलते हैं। मैंने स्कूल की पढ़ाई के साथ थोड़े घर के काम भी बच्चों को सिखा रखे हैं। गाइज अभी हम लोग टेरेस पे आया, देखते हैं जरा टेरेस पे ये क्या कर रहे हैं युवराज और उसके पापा और तन्मय, क्या बात है। अभी जो मैं मटर लेके आई वो छीले जा रहे हैं, वाह क्या बात है, वेरी गुड। ये देखो ये काम होता है, सेवा भाव से ही मटर छीले जा रहे हैं क्योंकि मटर की सब्जी बनेगी, लाभ बनेगा। और युवराज भाई साहब यहाँ पढ़ाई कर रहे थे, अभी उठ के चले गए, थोड़े बाल बाल सेट करने गए हैं थोड़ा। गाइस धूप बहुत तेज है छत पे और हवा भी बहुत ज़्यादा चल रही है और युवराज भाई साहब ट्यूशन जाने की तैयारी कर रहे हैं। गाइस ये ट्यूशन जाने की तैयारी कर रहा है इस टाइम और होमवर्क कर लिया, थोड़ा थोड़ा कर रहा है। और क्या कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा था कि जब हम ट्यूशन के लिए जाएंगे उसके आने के बाद हम कहाँ पे जाएंगे? वो बाद में जाएंगे, पहले ट्यूशन जाओ ठीक है ना। मुझे ऑफिस से बहुत सारी चीजें लाई थी, चिप्स संतरे चिप्स, और हमको मटर छीलना अच्छा लगता है तो फिर हम टाइम पास के लिए मटर छीन लेते हैं। तो फिर अभी मैं ट्यूशन जाऊँगा, अभी मैं तैयार होके ट्यूशन जाऊँगा, मम्मी तैयार होकर तैयार। ये देखिए ये ऐसे बच्चे हैं ट्यूशन जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, ये ट्यूशन जा रहे हैं या किसी शादी में प्रोग्राम में पार्टी में जा रहे हैं? हाँ जी कहाँ जा रहे हो आप? ट्यूशन जा रहे हो तो इतना फैशन करके ट्यूशन जा रहे हो? थोड़ा तैयार करके। हाँ जी भाई साहब आपका खाना खत्म नहीं हुआ अभी, दांतों में इतने कीड़े लग रहे हैं, कहना तो आपको मानना नहीं है। ये भाई साहब ट्यूशन जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, खाया क्या जा रहा है मेरे को भी दिखाया जाए क्या खाया जा रहा है। ओ माय गॉड मेरा अंकल जी सुड़ा गया सारा सारा अंकल जी खा गया मेरा। अब बड़ा शाना है अपना अंकल जी संभाल के रखा हुआ है पूरा साबुत और मेरा अंकल जी खा गया, बिल्कुल खाली कर दिया मेरा अंकल जी। गाइस ये दोनों भाई तैयार हो गए ट्यूशन जाने के लिए। गाइस अभी हम ट्यूशन जा रहे हैं, बाय गाइस, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।